नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने जल शक्ति अभियान की कार्यशाला को किया संबोधित। जनसंपर्क मंत्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने संयुक्त विकास भवन का किया अवलोकन। अब खबरें विस्तार से। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने इंदौर में जल शक्ति अभियान कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में नगरीय जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा जल संरचनाओं के उन्नयन पर विशेष चर्चा की गई। जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन को हबीबगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने जेल रोड भोपाल में 53 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे संयुक्त विकास भवन का निरीक्षण किया। भवन में विकास आयुक्त के अधीन सभी विभाग और शाखाएं एक छत के नीचे संचालित होंगी। खरगोन में कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डार ने पुराना अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। श्री डार ने डोनर्स को सर्टिफिकेट वितरित किए। खंडवा कलेक्टर श्रीमती तन्वीर सुंदरियाल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षकों को निर्देशित किया कि अगले 10 दिनों में जिले में संचालित सभी डेयरी की सैंपलिंग एवं जांच आवश्यक रूप से की जाए। बड़वानी में कलेक्टर श्री अमित तोमर ने नागलवाड़ी मेले के मद्देनजर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। सतना के बहुटी गांव में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के आदेश अनुसार अब स्कूल बनेगा। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने स्कूल नहीं होने पर झोपड़ी में ही स्कूल बनाकर बच्चों को शिक्षा देना शुरू की थी। मीडिया पर प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए अब सीएम ने स्कूल बनाने का आदेश दे दिया है।